हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। टॉपिक से थोड़ा हटके बात करने वाला हूँ, टेक्नोलॉजी वर्सेस हेल्थ। ये दो चीजें हैं जो समांतर चलती है और दोनों का एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप बोलोगे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा हेल्थ पर? वो इसलिए कि जितना ज्यादा स्ट्रांग और जितना ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी होते जा रही है जिंदगी की, जिंदगी जीने की और सहूलियतें और बेहतर होते जा रही है, बहुत आरामदायक जिंदगी होती जा रही है लोगों की, और ये आरामदायक जिंदगी बहुत ही नुकसान कारक है आपके लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। आजकल तो यार ये था कि टेक्नोलॉजी ठीक है, गाड़ी हो गई है, घर पे एसी है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, इसके बाद रोटी बेलने की मशीन आ गई है, या एक वक्त आएगा जब खाना भी आपको मशीन वगैरह खुद ही खिला देगी, आपको कुछ जरूरत नहीं है, वो भी आ जाएगा दिन। तो ऐसे में क्या हो गया है, इंसान जो आलसीपना इंसान का पहले से है, वो आलसीपना इंसान आप भी है, मैं भी हूँ, हर कोई है। आलस एक पार्ट ही है, हम हो जाते हैं आलसी, कभी लेट उठना ये भी आलसीपना है कभी। ये तो हमारी टेक्नोलॉजीज ने हमें बहुत ही ज्यादा कमजोर और अनहेल्दी बना दिया है। इवन जो पंखा चलता है उसकी भी जो एयर है वो 100% बहुत अच्छी एयर नहीं है। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिक उपकरण से आ रही है ना, जो ओरिजिनल है, जो नेचुरल एयर है वो अलग ही होती है। वो आपको जंगलों में या आपको गांव देहात में अभी भी थोड़ी बहुत मुश्किल से मिलेगी, वो भी पोल्यूशन फ्री। मुश्किल है, पोल्यूशन फ्री तो बोल ही नहीं सकते, पोल्यूशन हर जगह है। और बाकी जो ओरिजिनल चीज है वो हमारे पास बची नहीं है। और तो आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि अभी नए नए स्पीकर्स तक भी आ गए हैं, और जो जिसको आप कहोगे कि यार मुझे आज की न्यूज़ बता दे, तो वो अपने आप आपकी आवाज़ पहचान के आपको न्यूज़ बताएगी, आपको जो चाहिए वो आपके लिए करेगी। और गूगल ने पिछले ही साल 2-3 महीने पहले ही उनका गूगल का एक बहुत बड़ा सेट तैयार किया, बहुत बड़ा एक इक्विपमेंट्स तैयार किया, जैसे कि फैन से लेकर, लाइट से लेकर, मोबाइल से लेकर, घर का जो डोर बेल होता है वो सब एक चीज से जोड़ दिया है, ठीक है। और आई थिंक इस टेक्नोलॉजी नैनो कुछ टेक्नोलॉजी का नाम है, और ये फ्यूचर के हिसाब से सबसे स्ट्रांग टेक्नोलॉजी। मतलब कैसा पता है कि एक एक चीज, एक ऐप आपको पूरे घर से जोड़े रखता है। वो आपको एक मोबाइल के बटन में आप रख दो, वो ऐप से आप पूरे घर की डोर बेल से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, आपके ऑफिस से ही कंट्रोल कर सकते हैं कि घर में कोई आ रहा है मेहमान, तो वो देख सकते हैं कौन बाहर है। तो सब चीज़ें आप एक ही तरह से कर सकते हो, यानी कि हमारी जो सहूलियतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें आ गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे पास भी आएगी। तो टेक्नोलॉजी के बाद हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा भूल चुके हैं। जो एक ओरिजिनल लाइफ होती थी, जो हम स्कूल जाते थे चल के, या जैसे भी, मतलब चल के ज़्यादातर जाता था, उसके बाद हम आते थे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, गिल्ली डंडा, भौरा, गोटी, जो गोली खेलते हैं, उसके बाद बैट बॉल और आबाद, जो भी जो गेम्स होते थे, जो हम मिट्टी में खेलते थे, पैर हाथ गंदे होते थे, कपड़े गंदे होते थे, वो गंदापन अब आपको बहुत मुश्किल है आज के बच्चों को नसीब होना, क्योंकि जगह ही नहीं बची तो गंदापन कहाँ से होगा। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी पे लगे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, गेम खेलने पे लगे हैं। तो ये पेरेंट्स की भी, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चों को वो क्या फ्यूचर दे रहे हैं। आपके माइंड शायद बच्चों का स्ट्रांग हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी बच्चों की जो है, जो स्ट्रांग होनी चाहिए थी खेल कूद के या उस तरह से, वो क्या हम स्ट्रांग कर रहे हैं क्या? तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है हमारी सबकी हेल्थ पे। आजकल 20 साल, 30 साल, 40 साल कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, 4 में से 1 बंदा डायबिटीज का शिकार है। और अस्पताल में आप जाके देखिए, अस्पताल में मरीज लगे पड़े, भरे पड़े, ऐसे नहीं कि बहुत बुढ़े हैं। तो पहले एक वक्त था कि हाँ बुढ़ा हो गया, चलो ठीक, बीमार पड़ा है। अभी हर उम्र के बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं अस्पताल में। ऐसा लगता है कि मेला जो लगता है ना, मेला, मेले में जो भीड़ देखते हो ना आप, चलने की जगह नहीं होती, सेम अस्पतालों का वही हाल है। यानी कि जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो हम हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही अति यूज कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, आपकी नहीं, मेरी भी आदत है, मैं भी मोबाइल के बगैर मेरे को भी अच्छा ही लगता है कुछ, एक दिन इंटरनेट ना हो तो मैं दिमाग काम नहीं करता। तो ये सभी की आदत है, हमने अपनी ज़रूरत तो, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें थी, एक मोबाइल क्या था, सिर्फ बात करने का उपकरण था, उसे हमने अपने सीने से लगा के अपनी महबूबा बना लिया है, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड बना लिया है।
तो उस महबूबा को अपने आपको अपने से आपको कम से कम उससे ब्रेकअप लेना पड़ेगा। बोले भैया तू मेरी जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना आई थिंक एक एक छोटी मोटी चीज होती है हिस्सा, तू मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, यू आर जस्ट ए पार्ट इन माई लाइफ नॉट माई होल लाइफ। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है क्योंकि मोबाइल का वाइब्रेशन भी नुकसान करता है और मोबाइल पे ज़्यादा देर आप यूज़ भी करते हो तो आपकी आंखों पे भी असर पड़ता है, हर तरह से हर चीज़ों पे नुकसान तो है ही है। तो टेक्नोलॉजीज हमें ज़रूर बेहतर सुविधा दे रही है लेकिन क्या हमें अंदर से स्ट्रांग कर रही? नहीं, नो टेक्नोलॉजी कैन मेक यू इनर स्ट्रांग। वो आप ही कर सकते हो, आप थोड़ा सा चलो दौड़ो, हेल्थ का ध्यान रखो, वॉकिंग करो, खुद के लिए वक्त निकालो, मेडिटेशन करो, थोड़ा शांति रखो मन को, 5-10 मिनट नाम लो भगवान का या नहीं भी लोगे शांत मन रखो। तो कुछ चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ेगी अगर इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना है। हमें सुविधा मिल रही है लेकिन क्या हम अपने बॉडी को उस लायक बना रहे कि हम आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी देख सके या टेक्नोलॉजी के पार्ट रह सके? भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कभी हार्ट अटैक आ जाए, हमारा टेंशन बहुत बढ़ रहा है। फेसबुक के एक डिसलाइक से लेकर ट्विटर के एक अनफॉलो के हिसाब से भी हमें टेंशन होता है। अरे भाई अनफॉलो उसने ट्विटर पे कर दिया, अरे फेसबुक पे उसने ये कह दिया, यूट्यूब पे हमें गाली दे दी, अरे उस पर ये कर दिया। तो ये चीज़ हो गई है हमारे पास, व्हाट्सएप पे किसने ब्लॉक कर दिया, भाई इतना ज़्यादा टेंशन हमारे पास हो गया जितना कभी नहीं था। 10 साल आप 5-7 साल पहले क्या टेंशन था, भैया खेलो कूदो मजा करो, और कोई लड़की भी दिखती तो भैया वाह बढ़िया लड़की, वैसे वहां तक था। अब सब ऑनलाइन हो गया, हर चीजें हो गई। तो मतलब टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फायदेमंद है लेकिन वो अगर हम सही तरह से यूज करते हैं तो, अदरवाइज वो नुकसानकारक ज्यादा है। लेकिन अपने अपने चीजों के फायदे और नुकसान भी होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही बैलेंस बना के हमारी लाइफ चलनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम खुद के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, खुद की हेल्थ के लिए कितना टाइम दे रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से भी वर्ल्ड में। और जब पंखे की जरूरत ना हो पंखा बंद कर दे, जब लाइट की जरूरत ना हो लाइट बंद कर दे। जितना ज़्यादा सेव करोगे इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कोशिश करोगे दूर रहने की, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, हमारा माइंड भागता दौड़ता रहता है, एकदम कन्फ्यूज है। आप आजकल देखो, एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये चीज़ हो रही है US में कई जगह। आप हमेशा सुनते होगे किसी स्कूल में फायर हो गया, किसी कहाँ पे फायर हो गया, गन फायर हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है लोगों का, लोगों के पास लोग अपना एंगर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए साधन ढूंढते कि कैसे जाहिर करें, तो एंग्री वे भी लोग अपना लेते। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हर जगह आ रही, सोशल मीडिया पे लाइव करते करते किसी बच्चे ने जान दे दी, आपने सुना होगा मुंबई के बांद्रा में ऐसे कई सारी घटना हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें आप ना बोलते ना ज़रूरत बेसिक ठीक है, बेसिक तक ठीक है, लेकिन उसको आदत ना बनाइए। मेरे ख्याल से हर चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हम यूटिलाइज़ करें और हर चीज़ों में हम सही हो सक्सेसफुल हो। तो मेरा बस यही मानना है, यही कहना है सबसे कि टेक्नोलॉजी ज़रूर आपका हिस्सा है, उसे हाथ थामिए, और लेकिन ये देखिए कि आपकी हेल्थ कितनी बेहतर है, आप कितना स्ट्रांग हो, आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितना सही हो, आपकी बॉडी पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? तो ये ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, मिनिमम यूज़ करिए, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम कोई भी चीज़ों का आप यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको नुकसान करेगी। ओवरऑल वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अपना ख्याल रखे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। टेक्नोलॉजी ज़रूर इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको अपनी आदत ना बनाइए। आई होप आप इस वीडियो में आप मैं जो समझा चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। तो भैया खुश रहिए, अच्छे से रहिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल इंटरेक्शन हो, व्हाट्सएप से हाय हेलो से बेहतर है आप सामने सामने मिले। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी हमारी बेहतर होगी क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी तहजीब, हमारी जो कल्चर है उसे हम इस मोबाइल की टिप टिप में भूलते जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से गलत है। ये इसके दोषी आप नहीं है, मैं भी हूँ कहीं ना कहीं, हर कोई दोषी है क्योंकि हमारी भी गलती नहीं। भैया हमें मिला सस्ते में, हम तो भाई यूज़ करने लगे, हमें गद्दे पे ही चाय आके मिल गई, हमने यूज़ करने लगे, हम यहाँ से रिमोट से टीवी चालू कर हम यूज़ करने लगे, हमारी आदत बुरी हो गई ना, हमने ही टेक्नोलॉजी आई लेकिन किसके लिए आया, हम ही तो कामचोर थे, हम ही बुलाए कौन पंखा चालू करे, अरे कौन टीवी चालू करे, इधर से कास हो जाता तो रिमोट का, कार के रिमोट भी आ गए दरवाजा खुलने के लिए, है ना, ऑटोमेटिक साइकिल भी आ गई है, पहिया चले बिना चलाए भी आप चल सकते हो,
सब चीजें आ गई, अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि हम कितना उसको यूज करें, समझ रहे। आई होप वीडियो वाला आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आप मेरी राय से कितने सहमत है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। तो हैव ए ग्रेट डे, चलिए।